लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 283 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। अब 13 मई को चौथे चरण के लिए 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 96 सीटों में से बीजेपी ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जिनमें से 42 सीटों पर प्रत्याशियों को जीत भी मिली थी। चौथे चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व सीएम, 2 क्रिकेटर और 1 अभिनेता समेत 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। इस दौरान नेताओं का बयानबाजी से लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला कहां होना है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चौथे चरण में किन राज्यों की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और एमपी की 8-8 सीट, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 सीट और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। अब एक एक करके प्रदेश की हॉट सीटों की बात करते हैं। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें हैदराबाद की गिनती देश की सबसे हॉट सीटों में की जाती है। इस बार बीजेपी ने यहां बड़ा दांव खेला है। एक तरफ AIMIM के चीफ ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मोहम्मद वली उल्ला समीर, बसपा ने KS कृष्णा और भारत राष्ट्र समिति ने गद्दाम श्रीनिवास यादव को टिकट दिया है। यहां से 7 निर्दलीय समेत कुल 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सीट का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं हैदराबाद से सटे तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस से दानम नागेंद्र, बीएसपी से बसवानंदम, बीआरएस से पद्मराव टी से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यहां 27 निर्दलीय समेत कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीएसपी ने मारेपल्ली, भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस ने विनोद कुमार और कांग्रेस ने वेलचल्ला राजेंद्र राव पर दांव लगाया है। यहां 15 निर्दलीय समेत 28 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। वहीं बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल RJD ने आलोक कुमार मेहता को मैदान में उतारा है। वहीं मोहन कुमार मौर्य बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 5 निर्दलीय समेत कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। यहां से केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बसपा ने चंदन कुमार दास को और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अवधेश कुमार राय को मैदान में उतारा है। ईडी गठबंधन के तहत ये सीट CPI के खाते में गई है। यहां 3 निर्दलीय समेत कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनके अलावा यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव कन्नौज सीट से मैदान में हैं। 12 साल बाद एक बार फिर इस सीट पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक से है, जबकि बसपा ने इमरान बिन जफर को मैदान में उतारा है। सांसद सुब्रत पाठक ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। कन्नौज में 7 निर्दलीय समेत 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर लोगों की खास नजर है, क्योंकि तमाम आरोपों के बावजूद बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी पर इस बार भी भरोसा जताया है। इसके बाद सवाल है कि क्या इस सीट से 2 बार जीतकर संसद पहुंचने वाले अजय मिश्रा इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बसपा ने अंशय कालरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां 2 निर्दलीय समेत कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब बात करते हैं यूपी की उन्नाव लोकसभा सीट की। तो यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद साक्षी मरा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा ने पूर्व सांसद अनु टंडन और बसपा ने अशोक कुमार पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां 3 निर्दलीय समेत कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब झारखंड की बात करें तो यहां की खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा और बसपा ने सावित्री देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 निर्दलीय समेत कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में हैं।
वहीं झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की प्रतिष्ठा दांव पर है। दरअसल बीजेपी ने उनकी पत्नी गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोबा मांझी और बसपा ने परदेसी लाल मुंडा को उतारा है। यहां 5 निर्दलीय समेत 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट की, तो इस लोकसभा सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। इसकी वजह है कि पंकजा मुंडे यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बजरंग मनोहर और बसपा से सिद्धार्थ राजेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 29 निर्दलीय समेत 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान पर अपना दांव लगाया है। वहीं बीजेपी की टिकट पर निर्मल कुमार शाह मैदान में उतरे हैं। बहरामपुर में बसपा ने संतोष विश्वास पर भरोसा जताया है। यहां चुनाव में 6 निर्दलीय समेत 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर लोकसभा सीट भी हॉट सीट में शुमार है। यहां महुआ मोइत्रा टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने राजा कृष्ण चंद्र राय के परिवार की सदस्य अमृता राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से एसएम सादी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 5 निर्दलीय समेत कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह बर्धमान लोकसभा सीट से टीएमसी के टिकट पर क्रिकेटर कीर्ति आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने दिलीप घोष को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा के टिकट से प्रभुनाथ शाह और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से सुकृति घोषाल भी चुनावी मैदान में है। वर्धमान में 2 निर्दलीय समेत 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया को मैदान में उतारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से जहां आरा खान और बसपा से सन्नी कुमार शाह चुनाव लड़ रहे हैं, यहां 2 निर्दलीय समेत 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। तो 13 मई को आप भी जरूर मतदान करें और चौथे चरण के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।